टीम इंडिया के अनुभवी स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन लगातार युजवेंद्र चहल और चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव की शानदार फॉर्म में होने की वजह से बाहर चल रहे हैं। अश्विन को आयरलैंड और इंग्लैंड टूर के लिए भी टीम इंडिया की वनडे और T20 टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया। क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट क्रिकेट वर्ल्ड कप नजदीक है। ऐसे में सभी के जहन में बस यही बात रह रह के उठ रही है कि क्या अश्विन वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का हिस्सा होंगे। अश्विन के साथ साथ अनुभवी स्पिनर रविंद्र जडेजा भी वनडे टीम से बाहर ही है। खेल के छोटे प्रारूप से हटाए जाने के बाद से भविष्य को लेकर अश्विन से लगातार सवाल किए जाते रहे हैं, जिसका इस बार भी उन्होंने नपातुला ही जवाब दिया है। अश्विन की माने तो टीम में उनकी वापसी उन पर नहीं बल्कि चयनकर्ताओं पर निर्भर करती है। अश्विन ने टीम में अपनी वापसी पर कहा, किसी भी दूसरे क्रिकेट खिलाड़ी की तरह मैं भी नीली जर्सी पहनना चाहता हूं। मैं भी विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व रखने का सपना देखता हूं। ये साफ तौर पर मेरे मन में बसा है। उम्र के इस पड़ाव पर अब मैं शारीरिक और मानसिक रूप से सिर्फ अपने खेल का आनंद ले रहा हूं। मौका मिलता है तो सकारात्मकता के साथ उसे दोनों हाथों से लपकना चाहूंगा। मैं नीली जर्सी पहनकर वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूं। लेकिन ये तय करना मेरे हाथ में नहीं है। टीम में मेरी वापसी इस बात पर निर्भर करेगी कि चयनकर्ता और टीम मैनेजमेंट मेरे खेल को किस तरह देखते हैं। बता दें कि आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए चुनी गई टीम में अश्विन और रविंद्र जडेजा दोनों को ही बाहर रखा गया है। हालांकि टीम में यह अनुभवी गेंदबाज इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले 5 टेस्ट में टीम का हिस्सा होंगे। T20 और वनडे में युजवेंद्र चहल और चाइनामैन कुलदीप यादव को जगह दी गई। बुधवार शाम आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 में इस जोड़ी ने धमाल भी मचाया।